पार्टी की अमानत है। एक मैं इनका एक सवाल अभी रहता है। दूसरा जो आपने सवाल किया कि ये मेरा जाती जो है फैसला, मेरा जाती फैसला नहीं है। मैं अगर जाती फैसले करने तो मैं फिर बहुत पहले भी कर सकता था। ये मियां नवाज शरीफ का फैसला है और ये वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ के नॉलेज में ये फैसला है, उनकी कौंसिल से ये फैसला है मेरे वापसी का। तो अगर किसी सीनियर कायद आप कह रहे हैं कहा कि ये मेरा जाती फैसला है तो मैं माजत के साथ वो सही नहीं कह रहे। अब मैंने उनसे पूछ के तो फैसला नहीं करना ना, फैसला तो मियां नवाज जी से पूछ के करना है। जो फैसला करते हैं पार्टी को बताते हैं कि जी फलां ने अपना प्राइम मिनिस्टर उनके को रिप्लेस करना है, फलां ने फाइनेंस मिनिस्टर ना फलां ने, तो वो मियां नवाज शरीफ साहब के फैसले हैं, वो मनो और अमल होगा। अगर आज वो फैसला करते हैं कि अभी आप ना जाए मुझे आपकी जरूरत है, क्योंकि मैं तो यहाँ अपने इलाज के अलावा पार्टी के मामला को अब यहाँ से देखता हूँ और असिस्ट करता हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कब तक मतवक है, क्योंकि कुछ डेटें दी जा रही हैं, लेकिन क्योंकि आप बता रहे हैं कि आपके डॉक्टर से भी मामला है, दीगर भी है जी, तो कब तक एक्सपेक्ट करें? मेरे 10-12 रोज जो मेरी मजीद जो मेडिकल है और उसके साथ वकला जो है, क्योंकि आजकल समर वेकेशन शुरू हो चुकी है, आगे ईद की छुट्टियां भी हैं, तो मुझे जो बताया गया वकीलों के जरिए जो वकला है उन्होंने कहा कि आप जो माइंड में रखे वो तीसरे और चौथे हफ्ते जुलाई के, एंड ऑफ जुलाई कह लें, सेकेंड हाफ ऑफ जुलाई का, तो इंशाल्लाह उसमें अल्लाह ने चाहा तो अगर एवरीथिंग गोज इन रूटीन। क्या पाकिस्तान के माशी हालात ऐसे हैं कि इसे सही किया जा सकता है? आप उम्मीद है कि